जी हाँ दोस्त, बात करेंगे आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत नई भर्ती 2024 में। ब्लॉक सुपरवाइजर यानी कि एक तरीके से जो रीजनल एरियाज होते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक स्तर पर, या फिर मैं कहूँ पंचायत समितियों के स्तर पर यह वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर इस वैकेंसी का नाम है ब्लॉक सुपरवाइजर, जो है एक ब्लॉक के लिए एक सुपरवाइजर का पद प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार सहायक पद इसमें शामिल है। और यह जो वैकेंसी सीधी भर्ती, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर खाली मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। 12th क्लास पास महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और यह वैकेंसी 9 से 10 हज़ार करीब वैकेंसी रही है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी डिटेल इस वीडियो क्वालिफिकेशन के लिए एग्जामिनेशन एग्जाम या नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे मेरिट सिलेक्शन किया जाएगा, क्या इसमें प्रोसेस होता है, इसमें परसेंट वालों का सिलेक्शन होगा, इसके अलावा ज्वाइनिंग कब तक रहेगी, पूरी डिटेल संपूर्ण जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। और यहाँ पर इस वीडियो को कम्प्लीट देख रहा तभी आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो निकली हुई रिक्रूटमेंट ग्राम रोजगार सहायक तथा ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती 2024 पंचायती राज विभाग के अधीन ये वैकेंसी ब्लॉक स्तर पर निकली हुई है। ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्रों की यह वैकेंसी है। रोजगार सहायक तथा ब्लॉक सुपरवाइजर के पदों पर यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी निकली हुई है। और ध्यान रखना यह वैकेंसी 9,440 पदों पर निकली हुई है। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी ब्लॉक स्तर की जो भी पंचायत समिति की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वैकेंसी या अपनी पंचायत समिति में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पर आप जो भी वैकेंसी अवेलेबल है उसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जानाधार जो भी है इसके अलावा जो भी आता है आपका वो आपका लगेगा इसमें, तो हिसाब से किसी और रीजन में अप्लाई ना करें। ध्यान रखना यहाँ पर जो वैकेंसी है इसकी क्वालिफिकेशन में आपको यह बता दूँ कि 10th पास रखी गई है। यह देख सकते हो कि क्लास ट्वेल्थ पास पदों के लिए जो कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और यह वैकेंसी अभी रीसेट में जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ पास कर चुकी है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे ऐसे आवेदन कर सकते हैं। अभी वेतन मान की अगर बात करूँ सातवें वेतन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो ग्राम रोजगार सहायक के लिए 18,500 प्रोफेशनल कंप्लीट होने के बाद में उसे यहाँ पे पहले 9-10 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। वहीं यहाँ पर सुपरवाइजर की मान लें तो यहाँ पर 11-12 हज़ार के करीब रहेगी आपकी सैलरी, जो सैलरी दिखा रहे हैं या प्रोफेशन के बाद में देख ही रही है। ध्यान रखना इसके अलावा जो भी लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग है ग्रेड पे, वह सब कुछ मैंने बता दिया आपको। जो इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट्स में बता रहा हूँ, फिलहाल लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है। 16 मई से महीने की वैकेंसी रहेगी। एक मिनट, आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 16 तारीख 5वां महीना 2024 से लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 तारीख 6वां महीना 2024 तक रहेगी। जनपद पंचायत का नाम विभागीय वेबसाइट पर देखें, ठीक है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। इसके लिए जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए, तभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। धन्यवाद।